समय बदल गया है, समय की मांग बदल गई है और जो नई पीढ़ी आती है वह स्वयं सब कुछ तय नहीं करती, बहुत सी चीज़ें उसको बनी बनाई मिलती हैं। तो ये जो कैरियर ओरिएंटेडनेस का आज का समय है उसमें पढ़ना लिखना एक तरह से कम हो गया है, सब कुछ रेडीमेड जल्दी गूगल से मिल जाए, नेट से मिल जाए, उससे काम चल जाए, ये परंपरा बन गई है और उसी में जो लोग सिद्धस्त हैं उनको ही सफल माना जाता है। लेकिन जिस तरह के राष्ट्रवादी वातावरण में आपका संस्थान मुझे दिखाई पड़ता है और जिस तरह की परंपरा इस संस्थान ने बनाई हुई है, उसमें मुझे लगता है कि आपको थोड़ी अतिरिक्त सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि भारत एक अनूठा देश है, अपनी सभ्यता की दृष्टि से भी अनूठा है और विश्व में आज भारत का जो स्थान है, अच्छा भी और कठिन भी, वो दोनों ही दृष्टि से पहले आपको समझ के रखना चाहिए। आज आप युवा हैं, कल आप प्रोफेशन में जाएंगे, काम करेंगे, तो आपको ये चेतना होनी चाहिए कि इस पूरे एग्जिस्टेंस में, विश्व के परिदृश्य में, आप, आपका देश, आपका समाज, आपका कर्तव्य कहाँ है। और इसीलिए मुझे ये शुरुआत करने में कठिनाई हो रही है कि इतना जनरल विषय, इसमें कौन सी बातें मैं आपके साथ शेयर करूं, क्योंकि आपकी बैकग्राउंड क्या है, आपने अब तक कितना जाना है, उससे मुझे परिचय नहीं है। और ये कठिनाई होती है शिक्षक को, खास करके उच्च शिक्षा में, कि जब तक वह विद्यार्थी की बैकग्राउंड जानकारी की उसको जानकारी नहीं है तो वह अगली चीज़ को कैसे कनेक्ट करे। इसीलिए मैं अंदाजे से कुछ बातें आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ और मुझे आशा है कि आप इस पर स्वयं विचार करेंगे, स्वयं समझने की कोशिश करेंगे। हमारे देश में, जैसा मैंने आपको कहा कि भारत एक अनूठी स्थिति में है, सभ्यता की दृष्टि से भारत एक ऐसी अनूठी सभ्यता है जैसी दुनिया में कोई और नहीं है। कहने के लिए भी अगर तुलना हो तो सिर्फ एक चीन है या मिश्र है जिससे तुलना होती है, जो विद्वान लोग करते हैं, एक अर्थ में शायद वह तुलना भी बिल्कुल सटीक नहीं है, क्योंकि कोई ऐसी सभ्यता नहीं है आज विश्व में जिसका सातत्य, कंटिन्यूटी इतनी अनब्रोकन हो जितनी भारत की है, कोई सभ्यता नहीं है ऐसी। यह विश्व का एकमात्र देश है जहां पर आज भी वह साहित्य पढ़ा जाता है जो 2500 साल पहले पढ़ा जाता था, आज भी वह भाषा, वह शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं जो 2500 साल पहले, 3000 साल पहले किए जाते थे, आज भी कला के वे रूप, वे शब्द, वे गान उपलब्ध हैं जो 2500, 3000, 4000 साल पहले भी इसी धरती पर गाए जाते थे या पढ़े जाते थे। ऐसी विश्व में कोई सभ्यता नहीं, और यह कंटिन्यूटी इसके बावजूद कि पिछले 1000 वर्ष से भारत एक तरह से विदेशियों का गुलाम रहा है। ठीक है, इस पर विवाद होता है कि मुगलों के समय में या सुल्तानों के समय में पूरा भारत गुलाम नहीं हुआ, कुछ लोग यहाँ तक कहते हैं कि वो गुलाम ही नहीं था, वो तो स्वदेशी शासन था और सिर्फ हम विदेशी शासन में सिर्फ अंग्रेजों के समय से आए, यह विवाद अपनी जगह है। लेकिन एक जनरल कंसेंसस है कि भारत, भारत के लोग अपनी समझ से, अपने इच्छा से, अपने संस्कार से यहाँ का शासन कम से कम पिछले 1000 सालों से नहीं चला है, कुछ लोग यहाँ तक कहते हैं कि वह अभी तक नहीं हुआ है। और यह बात सिर्फ रेटरिक नहीं है, सिर्फ लफाजी नहीं है, यह बात सच है कि हम लोग पिछले 70 सालों से राजनीतिक रूप से स्वतंत्र हैं, लेकिन यह भी उतना ही सच है कि अभी तक हम लोग सांस्कृतिक रूप से, बौद्धिक रूप से, मानसिक रूप से स्वतंत्र नहीं हुए। और उसका सबसे सुंदर और प्रत्यक्ष प्रमाण हमारी भाषा और शिक्षा है। हमारी शिक्षा आज भी वही है जो अंग्रेजों ने बनाई थी, जो डिज़ाइन की थी। हमारी भाषा आज भी वही है शासकीय, नीतिगत, जो अंग्रेजों ने बनाई थी। यहाँ तक कि हमारा राजनीतिक तंत्र, कानून वही है जो अंग्रेजों ने बनाया था। और यह आप आसानी से समझ सकते हैं कि अंग्रेज यहाँ शासन करने ही नहीं आए थे, शोषण करने भी आए थे,
वो अपने देश के हित में काम करते थे, इंग्लैंड के हित में काम करते थे, और उन्होंने जो यहाँ का तंत्र बनाया था, राजनीतिक तंत्र, वो बिल्कुल अलग था। आप देखते होंगे बीबीसी में या सीएनएन में, इंग्लैंड का, यूके का प्राइम मिनिस्टर 10 डाउनिंग स्ट्रीट से निकलता है तो वो बिल्कुल एक सड़क पर एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग में दरवाजा खुलता है और प्रधानमंत्री बाहर आ जाता है, उसके 50 मीटर 100 मीटर दूर में बस स्टॉप है। तो इंग्लैंड का यूके का प्राइम मिनिस्टर ऐसी जगह में रहता है जहाँ पर निकलते ही वो सड़क आती है, एक कामकाजी जैसी जगह है। और भारत में उन्हीं अंग्रेजों ने वायसराय का घर तो छोड़ दीजिए, एक जिले के कलेक्टर के लिए कम से कम 50-50 बीघे का उन्होंने बंगला बनवाया। एक पूरा ऐसा आडंबर खड़ा किया जिसमें शासन के प्रति लोगों में एक सम्मान का, रौब का, दबदबे का भाव पैदा हो। ब्रिटेन में वो नौकरशाही नहीं है जो उन्होंने यहाँ बनाई। कहने का मतलब कि हम आज भी उसी तंत्र को चला रहे हैं, तो यह महसूस करना चाहिए कि हम आज भी स्वतंत्र नहीं हुए हैं, हमने अपना तंत्र नहीं बनाया है। ये हमारी एक कठिनाई है। हम अपनी भाषा में आज भी लिख पढ़ नहीं रहे हैं, नियम कानून नहीं बना रहे हैं। हमारे कोर्ट, हमारी पार्लियामेंट, हमारे कानून मंत्रालय, हमारे सारे महत्वपूर्ण दस्तावेज पहले अंग्रेजी में बनते हैं, फिर उसका जैसे तैसे अनुवाद वगैरह होता है। दुनिया में ऐसा कोई महत्वपूर्ण देश नहीं है जहाँ पर उसका सर्वोच्च व्यक्ति और सबसे निचला व्यक्ति एक भाषा में नहीं काम करता। और इससे जो कठिनाइयाँ होती हैं, आप कभी उस पर सोचने की कोशिश कीजिए, उससे बहुत बड़ा अंतर पैदा होता है, बहुत बड़ा अंतर। रूस में या जापान में या चीन में, अमेरिका में, वो राष्ट्रपति हो या फिल्म स्टार या पॉलिसी मेकर या यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर, जो भी बोलता है वो उसी भाषा में बोलता है जो उस समाज का सबसे अंतिम आदमी सीधे सुनता है, सीधे समझता है। यहाँ पर बिल्कुल ऐसा नहीं है, और यह सिर्फ एकमात्र ऐसा देश है, महत्वपूर्ण देश। छोटे छोटे अफ्रीकी देश बहुत हैं जिनको अंग्रेजों ने और फ्रांसीसियों ने, यूरोपियनों ने गुलाम बनाया, उनकी भाषाएं पूरी तरह मिट गई। वहाँ या तो फ्रांसीसी बोली जाती है या अंग्रेजी बोली जाती है, या पूरे लैटिन अमेरिका में स्पेनिश बोली जाती है, लेकिन उनकी पुरानी भाषा, पुरानी संस्कृति, पुराने लोग, पुराना साहित्य, सब कुछ मिट गया। भारत एक ऐसा अनूठा देश है कि इसमें वह कंटिन्यूटी है जो ऋग्वेद के समय से आज तक आपको मिलेगी। आप ऋग्वेद उलट करके पढ़ें, उपनिषद उलट करके पढ़ें ध्यान से थोड़ी देर, और आपको दिखाई पड़ेगा कि उसमें ऐसे दृश्य हैं जो आपको आज भी दिखाई पड़ते हैं, उसमें ऐसे शब्द, ऐसे मुहावरे हैं जो आप आज भी इस्तेमाल करते हैं। तो ऋग्वेद से लेकर आज तक की कंटिन्यूटी, और दूसरी ओर पूरी की पूरी राजनीतिक प्रणाली, पूरी की पूरी शैक्षिक प्रणाली अभी भी उस कॉलोनियल माइंडसेट में है जिसका उद्देश्य यहाँ का शोषण करना था, यहाँ के लोगों को क्लर्क और यहाँ के लोगों को अधीन बना के रखना था, यहाँ के लोगों में हीनता भरने की, जिसकी एक 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 उद्देश्य था। मैं ये नहीं कहूँगा कि उनका सारा उद्देश्य यही था। ऐसी स्थिति की जो शिक्षा थी, ऐसी स्थिति की जो राजनीति थी, ऐसी स्थिति का जो कानून था, वो हम आज तक चला रहे हैं। तो एक अर्थ में हम स्वतंत्र भी हैं, दूसरी ओर हम परतंत्र भी हैं, और इस परतंत्रता से हमारी मुक्ति अभी नहीं हुई है। इसका सबसे सामान्य उदाहरण यह भाषा है, और इस भाषा से भारत जैसे देश में एक दूसरी मुश्किल हुई है, और वह उस पर आपको ध्यान देना चाहिए एक पत्रकार के रूप में विशेषकर, क्योंकि पत्रकारों को किसी भी चीज़ की सूचना देनी होती है, और सूचना देने से पहले आपको स्वयं समझना होता है कि असली बात क्या है। यानी आप अन्वेषण भी करते हैं, आप चीज़ों को समझते हैं, फिर आप दूसरों तक पहुंचाते हैं। अब आप देखिए कि यहाँ भाषा से कितनी बड़ी समस्या खड़ी हुई है। पूरे जिन जिन शब्दों का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, मैंने आपको कहा कि अफ्रीका में या लैटिन अमेरिका में, अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका में भी, पूरे अमेरिका में जो वहाँ मूल निवासी थे, मूल भाषा थी, मूल पर्व त्यौहार थे, वो सब खत्म हो गए। भारत ऐसा है कि 1000 वर्ष की गुलामी के बावजूद इसका कुछ भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। ऐसे लोग भी आए जिनका पूरा उद्देश्य था कि यहाँ की पूरी संस्कृति, धर्म, समाज, भाषा को हमें खत्म कर देना है, इनको कन्वर्ट कर लेना है। किसी को सफलता नहीं मिली, लेकिन इससे हमारे जीवन में एक विकृति भी आई है कि हम बहुत सी चीज़ें, हम जो बोलते हैं, जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं, उसके अर्थ बदले हुए हैं। एक तिब्बती विद्वान है, प्रोफेसर इनपोचे, उन्होंने एक बड़ी सुंदर उपमा दी थी
मैं उसका प्रयोग करके आपको बताना चाहता हूँ कि ये भाषाई समस्या हमें कहाँ तक परेशान करती है। उन्होंने कहा था कि जैसे शब्दों का हम जिन शब्दों का अपने शब्दों का इस्तेमाल करते हैं उसका वह जो मूल अर्थ हमारी सभ्यता ने दिया है, हमारे समाज ने दिया है, वह अर्थ च्युत हो गए, उसमें हमने यूरोपीय और अंग्रेजी अर्थ भर दिया है और उसका मूल अर्थ खो गया है। तो वो उपमा देते हैं कि जैसे किसी लोटे में दूध रखा हुआ था तो किसी कोई तेल लेकर आया, उसने कहा कि आप ये तेल रख लीजिए, तो उन्हें कोई और बर्तन नहीं मिला तो उसने दूध को फेंक दिया और उसमें तेल ले लिया। तो वह इस ये शब्दों की उपमा दे रहे थे कि हमने बहुत सारे शब्दों का वो उसका मूल अर्थ फेंक दिया और उसमें अंग्रेजी वाला, यूरोप वाला या अमेरिका वाला अर्थ रख लिया है। अब यही लीजिए धर्म संस्कृति, हमारे यहाँ संस्कृति अलग से नहीं बोली जाती, आमतौर पर आप देखिएगा धर्म संस्कृति, खान पान, रहन सहन, बोल चाल, तो संस्कृति हमारे यहाँ धर्म से अलग नहीं रही है, बल्कि धर्म से अलग यहाँ कुछ भी नहीं रहा है। तो अब यही धर्म शब्द लीजिए जो उन्होंने कहा, उदाहरण दिया था रिम्पोचे ने, हमारे यहाँ अधिकांश बच्चे, मुझे लगता है कि 10 में 9 नहीं 100 में 95 बच्चे धर्म का अर्थ रिलीजन, रिलीजन का अर्थ धर्म समझते हैं, जबकि एकेडमिक रूप से भी, थ्योरेटिकली भी और व्यवहारिक रूप से भी ये दोनों बिल्कुल भिन्न धारणाएं। धर्म में, हमारे धर्म में विश्वास या पूजा पाठ इसका कोई अर्थ नहीं रहा है। धर्म का मतलब भारत में रहा है कर्तव्य, सत्कर्म। अब रावण को अधर्मी कहते हैं लेकिन रावण तो सिर्फ भक्त था, ये महाभारत को धर्म युद्ध कहते हैं, मतलब एक पक्ष धर्म का था दूसरा पक्ष अधर्म का था, तो दोनों तो सारे एक ही देवी देवता को पूजने वाले थे, एक ही परिवार के थे, एक ही विश्वास के थे, दोनों के गुरु एक थे, माता पूरा वंश एक था, तो ये धर्म युद्ध क्यों कहते हैं। उसी तरह हम, हमारे यहाँ शब्द है पुत्र धर्म, राज धर्म, मातृधर्म, गुरु का धर्म, विद्यार्थी धर्म, आप देखिए कि रिलीजन से यह सब स्पष्ट नहीं होता। रिलीजन का मतलब है फेथ, रादर उसके लिए, उनके लिए अनदर वर्ड ही है फेथ, आपका फेथ क्या है, यू आर मुस्लिम, ज्यू, क्रिश्चियन, तो रिलीजन है फेथ, और धर्म है फेथ, आपका कुछ भी हो, आपका आचरण, आचरण से धर्म तय होता है और विश्वास से रिलीजन तय होता है। ये हार्वर्ड के प्रोफेसर भी जानते हैं, जो भी जिन लोगों ने भी इंडोलॉजी पर या धर्म पर काम किया वो जानते हैं कि धर्म बिल्कुल अलग धारणा है, रिलीजन बिल्कुल अलग धारणा है, लेकिन हमारे देश में रिलीजन और धर्म को एक शब्द समझने वाले, एक चीज समझने वाले आपको सभी विद्यार्थी मिलेंगे, जो सचेत नहीं है, जिनकी जिनमें ये अभिप्सा नहीं है कि हमें कुछ जानना है, अधिक समझना है, ठीक से समझना है, वो दोनों को पर्यायवाची के रूप में लेते हैं, डिक्शनरी में भी मिलता है। और ये एक शब्द नहीं है, मैंने सिर्फ उदाहरण के लिए दिया कि धर्म रिलीजन नहीं है और रिलीजन धर्म नहीं है, सिर्फ एक शब्द है। हमारे बहुत सारे ऐसे शब्द हैं, जैसे संस्कृति भी उनमें एक शब्द है, या लीला, पर्व, तीर्थ, संप्राय, रित, इन सब के लिए अंग्रेजी में कोई शब्द नहीं है। इसका यह मतलब नहीं कि अंग्रेजी कोई दुर्बल भाषा है और हम उससे अधिक सबल हैं, दोनों सबल भाषा है। कहने का मतलब यह है कि जो इस समाज, एक खास समाज, एक उसका जो एक विशेष इतिहास है, उसकी जो विशेष परंपरा है, उसके शब्द उसको व्यक्त करते हैं, और किसी दूसरे समाज का जो इतिहास है, उसकी जो संस्कृति है, उसका जो अनुभव है, वह उसके शब्दों में व्यक्त होता है। इसलिए हमारे भी बहुत सी धारणाएं हैं जिसके लिए अंग्रेजी में शब्द नहीं है या रशियन में शब्द नहीं है, उनकी भी बहुत सी धारणाएं हैं जिसके लिए हमारे पास शब्द नहीं है, लेकिन चूंकि हमारे देश में पूरी शिक्षा मूलतः अंग्रेजी में चल रही है, नीति निर्माण मूलतः अंग्रेजी में चल रहा है, इसलिए हमें यह कठिनाई होती है कि हम अपने बहुत सारे शब्दों को, अपने बहुत सारी समस्याओं को, अपनी बहुत सारी स्थितियों को चूंकि अंग्रेजी के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं, इसलिए पूरा का पूरा गड्ढमड हो जाता है। ना तो हम उसका वह यूरोपीय, अमेरिकी या रशियन या जर्मन इतिहास हम ठीक से समझ पाते हैं जिससे उन शब्दों की उत्पत्ति हुई, और ना हम अपने इतिहास, अपनी संस्कृति, अपनी समझ को समझ पाते हैं, क्योंकि हम अंग्रेजी के कारण हमारा एक व्यवधान खड़ा हो जाता है। तो यह सिर्फ एक उदाहरण है कि हम जिन समस्याओं, इस तरह की सभ्यतागत और दार्शनिक समस्याओं की जब हम चर्चा करते हैं, तो यह भाषा
का व्यवधान किस तरह एक हमें मुसीबत में डाल देता है, जो आपके जैसे अलावा, मतलब भारतीयों के अलावा, यह समस्या किसी देश में विद्यार्थियों को या उच्च शिक्षार्थियों को नहीं होती, कि उनकी अपनी भाषा, अपनी संस्कृति खत्म भी नहीं हुई। जैसे मैंने कहा कि कुछ देशों में बिल्कुल खत्म हो गई, खत्म हो गई तो ठीक है, एक बार आप रो लीजिए, खत्म हो गई, ऑस्ट्रेलिया में खत्म हो गई, लेकिन अब उनके पास नई भाषा, नई संस्कृति, नई शब्दावली, नई अवधारणाएं, पूरी तरफ पूरा समाज उसी में जीता है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ अभी भी बृहत समाज, बहुसंख्यक समाज, बहुत बड़ी संख्या में समाज अपनी ही धारणाओं में जीता है, लेकिन उसके ऊपर जो शिक्षा, जो नीति निर्माण, जो हायर स्टडीज, रिसर्च, मीडिया, यह सब आता है वह विदेशी माध्यम के भाषा के माध्यम से आता है और विदेशी प्रत्यय इस्तेमाल करता है। इससे कठिनाई यह होती है कि हम ठीक ठीक किसी चीज़ को नहीं जानते। अगर हमारे विद्यार्थी, हमारे पत्रकार, हमारे विद्वान, मैं तो कहूँगा हमारे प्रोफेसर, अगर सचेत नहीं है तो वह बोलते कुछ है, उसका अर्थ कुछ और होता है, और फिर जब वो कम्युनिकेट होता है विद्यार्थियों तक या पाठकों तक तो उसका अर्थ कुछ और हो जाता है। तो इस भाषाई गड़बड़ी के कारण जो इस तरह की चीज़ें हैं, इसका ठीक ठीक विमर्श नहीं हो पाता। मैंने सिर्फ उदाहरण के लिए कहा कि धर्म और रिलीजन एक नहीं है। फिर हिंदू धर्म, हिंदू धर्म जैसा मैंने कहा कि रिलीजन नहीं है, रिलीजन फेथ होता है। हिंदू धर्म में आपको आपको कुछ भी मानने की छूट है, फेथ इसमें कुछ है ही नहीं। और इसी अर्थ में कुछ जो ऑर्थोडॉक्स मिशनरीज होते हैं या ऑर्थोडॉक्स इस्लामिस्ट होते हैं, वो लोग कहते हैं कि ये लोग तो रिलीजन विहीन लोग हैं, ये हिंदू लोग, इनमें कोई फेथ नहीं है, क्योंकि ना इनकी कोई एक किताब है, ना इनका कोई एक गॉड है, ना कोई इनका कोई चर्च है, या ना कोई इनका कोई प्रीस्ट क्लास है जो इनको ऑर्डर दे करके बताए कि क्या पूजा करनी है क्या नहीं करनी है। ये तो बिल्कुल फ्री फ्लोटिंग समाज है, इनमें कुछ भी निश्चित नहीं है, इसलिए ये लोग इररिलीजियस है, नॉन रिलीजियस है। इसलिए रिलीजन देने का काम हमें करना है। ये जो सीरियस मिशनरीज है बड़े बड़े कैथोलिक चर्च के, उनके आप डॉक्यूमेंट्स अगर आप देखिए इंटरनेट पर, वेबसाइट पर बड़े आराम से मिल जाते हैं, आप देखिए कि उनमें यह गहरी भावना है कि हमें पूरे भारत को क्रिश्चियन बनाना है। क्यों? क्योंकि ये तो अंधकार में डूबे हुए हैं, इन तक क्राइस्ट नहीं पहुंचा, इनको बुक अभी तक नहीं मिली, इनको गॉड का मैसेज नहीं मिला, इनके पास कोई मैसेंजर नहीं है। तो और ये ऐसा सोचने वाले कोई पागल लोग नहीं है, वो लुनेटिक फ्रिंज नहीं है, और वो कोई फैनेटिक भी नहीं है, बड़े सज्जन शिष्ट विद्वान लोग हैं जो अपने हृदय में यह महसूस करते हैं, और इसके हिसाब से पूरे भारत के लिए, जिले जिले, गांव गांव तक के लिए उन्होंने योजना बनाई है कि कैसे इनको हम क्रिश्चियन बनाएं। और यह पूरी परियोजना खुलेआम चल रही है, आज से नहीं, 200 साल से चल रही है, 400 साल से चल रही है, लेकिन आज भी वह बहुत सीरियसली इस काम में लगे हुए हैं। उनको कितनी सफलता मिली है या नहीं मिली है यह दूसरी बात है, हमारे प्रसंग में सिर्फ यह है कि किस तरह से वो हमको इररिलीजियस या नॉन रिलीजियस मानते हैं, या हमें अंधकार में डूबा हुआ मानते हैं, इसलिए क्योंकि उनकी जो रिलीजन की धारणा है और हमारी धर्म की धारणा है वो बिल्कुल अलग है। हमारे यहाँ अगर कोई बिल्कुल जीवन भर पूजा पाठ नहीं करे तो भी उसके माता पिता, उसका परिवार उसको अपने धर्म या अपने समाज से बाहर नहीं मानता। कोई इन संस्कारों में पड़ता है या नहीं पड़ता है उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका आचरण कैसा है उस पर लोग कहते हैं कि ये अधर्मी है, ये पापी है, उसके कर्म से उसको कहा जाता है। तो ऐसी ऐसे हिंदू धर्म की जो एक स्थिति है विश्व में, वह आपको ध्यान से समझनी चाहिए। वह इसलिए कि आने वाले समय में और अभी भी यह संघर्ष बहुत ही विकट हो सकता है। हम चूंकि एक बड़े देश के नागरिक हैं और बड़े समृद्ध देश के नागरिक हैं, समृद्ध इस अर्थ में कि प्रकृति से असली समृद्धि प्राकृतिक होती है, प्रकृति ने आपको क्या दिया है उसी से समृद्धि होती है, दूसरी समृद्धि फिर ह्यूमन रिसोर्सेज है कि लोग कितने चतुर हैं, कितने इंटेलिजेंट हैं, कितने मेहनती हैं, इससे फिर दूसरी संपत्ति पैदा होती है, लेकिन मूल संपत्ति प्राकृतिक संसाधन है। रशिया को देखिए, अमेरिका को देखिए, ये सब, ये दोनों देश मूलतः प्राकृतिक रूप से समृद्ध है, उसके बाद उनका ह्यूमन रिसोर्सेज उसमें मिल करके इन्हें दुनिया का सबसे धनी और सबसे प्रभावी देश बनाता है। भारत भी वैसा ही एक देश है, यह सिर्फ विदेशी शासनों के कारण हम उनसे पिछड़े हुए हो गए काफ़ी चीज़ों में। फिर भी आप देखेंगे कि सिर्फ 70 साल की ये स्वतंत्रता ने भारत को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया है।
1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो दुनिया के देश बिल्कुल जो विकसित देश थे वो बिल्कुल निराश थे कि ये लोग तो लड़ मर कर खत्म हो जाएंगे, ये बचने वाले नहीं हैं, ये बिल्कुल गए गुजरे हैं। लेकिन इसके बावजूद कि हमारे राजनीति में इतनी समस्या है, इसके बावजूद इतना भ्रष्टाचार है, इतनी अकर्मण्यता है, इतना सारी बुराइयां हैं जो हमारे नेताओं के लिए आप लोग सब हम सब लोग कहते हैं, इसके बावजूद 70 सालों में भारत की जो उन्नति हुई है वह सिर्फ इसलिए हुई है कि विदेशी शासन हट गया। इतनी इस देश में क्षमता है, रिसोर्सेज है, लोग हैं, उद्यमी हैं, व्यापारी हैं, और ऐसे देश में रहते हुए हम लोगों को ये पता नहीं चलता है कि हम लोग कैसे किस तरह के एक अपवाद किस्म के देश है। और यहाँ पर धर्म और संस्कृति की बात आती है जिसको आपको मैं एक संदर्भ देना चाह रहा था, वह यह कि आप दुनिया में एक अकेले ऐसे देश हैं जो रिलीजन की अंतर्राष्ट्रीय परिभाषा से बिल्कुल बाहर है। सरल शब्दों में कहें तो भारत दुनिया का एकमात्र हिंदू देश भारत है। नेपाल था, अब उनको भी वो सेकुलर बना रहे हैं और कन्वर्ट कर रहे हैं। ऐसे भी वो छोटा देश है, एक तरह से देखा ऐतिहासिक रूप से देखा जाए तो वो भारतीय सभ्यता का ही हिस्सा है। तो यह एकमात्र देश होना यह भी सुनिश्चित करता है कि हमारे बारे में दूसरों को कितनी गलत फहमियां रहती है। मैं आपको उदाहरण देता हूं पत्रकारिता का, और शायद आप लोगों ने भी नोट किया होगा, आप अगर CNN BBC नियमित देखते हो या अमेरिकी पत्रिकाएं हैं जो प्रसिद्ध टाइम्स या न्यूज़वीक अगर आप रेगुलर देखते हो तो आपने पाया होगा कि उसमें भारत के बारे में कभी भी सकारात्मक समाचार नहीं आते। हमेशा कोई ना कोई नकारात्मक, कुछ विचित्र चीज, कुछ जुगुप्सा पैदा करने वाली या हैरत कर पैदा करने वाली, मानो ये जो देश है ये कुछ विचित्र किस्म का है, अनोखा किस्म का है, दयनीय किस्म का है, गड़बड़ किस्म का है, जहां से कोई पॉजिटिव समाचार आ ही नहीं सकता है या वहां के बारे में कोई पॉजिटिव आउटलुक बना ही नहीं सकते हैं। मैं आपको इस पर ध्यान दिलाना चाहता हूं, कुछ लोग कहते हैं कि वो लोग दुष्ट हैं, भारत से जलते हैं या भारत के शत्रु हैं। हमेशा ऐसा नहीं है। इसके पीछे एक कठिनाई भी है कि भारत हिंदू देश होने के कारण यहाँ की बहुत सी चीज़ों को वो नहीं समझते, यहाँ की बहुत सी चीज़ों को वो समस्या मानते हैं जो यहाँ की सिर्फ विशेषता है, जैसे यही डाइवर्सिटी या यही जो रिलीजन वाली बात है कि हमारे पास कोई फेथ नाम की चीज़ नहीं है, हम दूसरों को कन्वर्ट नहीं कराते, हमको इससे कोई दिक्कत नहीं होती है कि लोग दूसरे लोग भी आए रहें, वो इसको नहीं समझ पाते हैं। उनकी संस्कृति ने, उनकी सभ्यता ने, उनके धर्म ने उनको सिखाया है एक खास तरह से देखना, और इसीलिए भारत के बारे में उनके पढ़े लिखे लोग, अच्छे समझदार लोग, नीतिकार लोग भी वो ठीक सही समझ नहीं बना पाते। और इसीलिए आप नोट आप देखिएगा कि वो हमेशा भारत के बारे में एक नकारात्मक छवि लिए हुए हैं। यह हमारी एक कठिनाई है जिस पर मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि आपको दुनिया में जिसको कहते हैं कि फेयर कंसिडरेशन आपको नहीं मिलेगा, उसके पीछे गहरे दुराग्रह है। वो हमें अपने से कम समझते हैं, अपने से नीचा समझते हैं, अपने से इतना भिन्न समझते हैं जिसके साथ कोई सांस्कृतिक सामंजस्य नहीं हो सकता। इसका दूसरा पक्ष भी है, जो उनके एनलाइटेंड लोग हैं, जो सीकर किस्म के लोग हैं, खोजी किस्म के लोग हैं, जो सच्चे विद्वान किस्म के लोग हैं, उनमें ठीक उल्टा है, वो एक तरह से भारत के भक्त हो जाते हैं, वो भारत के प्रति उनमें एक श्रद्धा पैदा हो जाती है, और वह फिर वही हमारी संस्कृति और धर्म से जुड़ता है। आपने एक छोटा सा उदाहरण है जो बिल्कुल आप सामने देख सकते हैं। भारत के लोग पैसा कमाने के लिए, कैरियर बनाने के लिए अमेरिका जाते हैं, यूरोप जाते हैं। आपने कभी नहीं सुना होगा कि कितने भी हम गए गुजरे हो, कितने भी हमारी समस्याएं हो, कोई एनलाइटनमेंट के लिए, सीकिंग के लिए या रिलीजन के लिए, स्पिरिचुअलिज्म के लिए कोई कहीं जाता हो? कोई भारतीय नहीं जाता। ठीक इसका उल्टा है, पूरी दुनिया से जिनको भी कुछ सीखने की इच्छा होती है, जिसको मटेरियलिज्म से अधिक, यस, जिसको कहते हैं कैरियर से अधिक, पैसा, टेक्नोलॉजी, इनसे अधिक अगर किसी को भी कुछ चाहिए, सबके सब भारत आते हैं। वो चाहे बीटल्स वाले लोग हो या वो एप्पल के संस्थापक हो या हॉलीवुड की जूलिया रॉबर्ट्स हो या वो कौन है वो 7 फीट वाला हीरो, मैंने दर्जनों लोग स्पोर्ट्स के, संस्कृति के, कल्चर के, फिल्म के, हर तरह के लोग
एक दो नहीं सैकड़ों हजारों की संख्या में बारहों महीने भारत में आपको मिलेंगे। और एक दो नहीं, मैं श्री अरविंद आश्रम, विवेकानंद आश्रम, रमन महर्षि का आश्रम, शिवानंद आश्रम, चिन्मय आश्रम, ये जो जिसको कहते हैं कि टॉप लीग है, मैं इसको छोड़ देता हूँ। सबसे छोटे छोटे जो बाबा साधु संत हैं, आप उनके पास देखिए कि दर्जनों की संख्या में उनके पास हमेशा विदेशी आते हैं। वो किस लिए आते हैं, क्या खोजने आते हैं? यह वही चीज है जिसके प्रति स्वयं हमारे लोग अभी तक सचेत नहीं हुए, और जो सचेत होना चाहते हैं या हो रहे हैं उनको कम्युनल कह करके काउ डाउन किया जाता है, उनको नीचा ठहराने की कोशिश की जाती है। जबकि यह प्रत्यक्ष प्रमाण आप देखिए, बहुत कम लोग जानते हैं कि इवन अरब से, मुस्लिम देशों से लोग आते हैं शिवानंद आश्रम में, चिन्मय आश्रम में, विवेकानंद आश्रम में, और महीनों रहते हैं, कुछ तो उनको मिलता है। विज्ञापन का युग है, कंज्यूमरिज्म का युग है, तो आप उस भाषा में भी देख सकते हैं कि यह सिर्फ प्रोपेगेंडा नहीं हो सकता। यह ठीक है कि नकली साधु भी हैं, नकली बाबा भी हैं, बट देन वो तुलसीदास के समय में भी थे। आप रामचरितमानस पढ़िए, आपको उसमें भी मिलेगा कि किस तरह से छली छदी कपटी साधु लोग किस तरह से लोगों को बेवकूफ बनाते हैं और उनके उनके अंधविश्वास का शोषण करते हैं। वह अपनी जगह है, लेकिन जेन्युइन सच्चे गुरु, सच्चे विद्वान, सच्चे मनीषी वह आज भी है, और पूरी दुनिया से लोग यहीं आते हैं। तो यह भारत का एक अनूठापन है कि हम, और दुर्भाग्य यह है कि हमारी शिक्षा ने हमें ठीक उन चीजों से अलग कर दिया है। मैंने आपको कहा कि अगर आप वेद को पढ़िए, ऋग्वेद को पढ़िए, ऐसे भी पढ़ सकते हैं, दुनिया की पहली किताब मानी जाती है, सबसे पुरानी एग्जिस्टेंट किताब का उसको यूनाइटेड नेशन ने भी दर्जा दिया हुआ है कि जो उपलब्ध सबसे पुरानी पुस्तक मानवता के पास है वह ऋग्वेद है। आप उसको पढ़िए, आपको आज की चीज दिखाई पड़ेगी। अगर आप महाभारत पढ़िए तो आपको लगेगा कि आप आज के हरियाणा में या पाटलिपुत्र में घूम रहे हैं, आपको वो दोनों जीवन मिलता जुलता दिखाई पड़ेगा। रविन्द्रनाथ टैगोर ने इस पर लिखा है। तो यह जो कंटिन्यूटी है, और यह जो हमारी दार्शनिक परंपरा है, हमारी जो आध्यात्मिक समृद्धि है, वह इतनी अखंड है कि विदेशी लोग आते हैं और हमसे सीख करके जाते हैं। लेकिन यह हमारी एक कठिनाई भी हो जाती है कि हम स्वयं अपने आप को दुनिया के सिस्टम के बीच में अभी तक फिट नहीं कर पा रहे हैं, राजनीतिक रूप से फिट नहीं कर पा रहे हैं, आर्थिक रूप से फिट नहीं कर पा रहे हैं, इवन सांस्कृतिक रूप से फिट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारी शिक्षा दीक्षा ऐसी होती है कि जो ठीक हमारी सबसे अमूल्य निधि है हमारी संस्कृति की, वही हमारी शिक्षा से बाहर है। हमारे स्कॉलर, हमारे सबसे अच्छे विद्यार्थी जो टॉप करते हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं, सोशियोलॉजी में है, उनको ये पता नहीं है कि दुनिया की सबसे पहली सोशियोलॉजी की बुक टेक्निकली वो भारतीय है, और वो कौन सी किताब है उसका वो नाम तक नहीं जानते हैं। जिस उपनिषद की चर्चा आज से नहीं, ग्रीक थिंकर्स के समय से, प्लेटो अरस्तु के समय से, आपको उपनिषद शब्द और उपनिषद की बातें कंटिन्यूअस, मुझे लगता है कि इंटरनेट की कृपा से सब कुछ उपलब्ध होता है। आप उसमें कभी आप चेक करके देखें, इंडोफिल एक शब्द है, मतलब इंडिया से प्रेम करने वाले, इंडिया से प्रेम रखने वाले, और उसमें उसने किसी ने जमा करके सारे उद्धरण दिए हैं दुनिया के बड़े बड़े दार्शनिकों, विद्वानों के, और उनमें सब एक से एक विद्वान है, वॉल्टेयर, शोपेनहावर, प्लेटो, अरस्तु, ये रूसो, मतलब उसकी गिनती नहीं है। मुझे लगता है कम से कम 50 ऐसे बड़े थिंकर पिछले 2500 साल से दुनिया के, उनके आपको उसमें नाम मिल जाएंगे कि उन्होंने भारतीय सभ्यता या भारतीय ज्ञान परंपरा के बारे में क्या कहा है। तो कुछ लोग कहते हैं कि वो लोग इंडोफिल हैं, मतलब इतना उनको भारत से प्रेम है कि हर चीज़ भारत में देखते हैं। लेकिन इसको अगर आप तटस्थ दृष्टि से भी देखिए, एक जर्नलिस्टिक दृष्टि से या अभिप्सु की दृष्टि से, अन्वेषक की दृष्टि से, तो आप देखेंगे कि इतनी बड़ी जो ज्ञान परंपरा का स्रोत है, ठीक उससे हमारी शिक्षा कटी हुई। हम ABC से शुरू करते हैं। ये स्थिति अंग्रेजों के समय तक नहीं थी। अंग्रेजों के समय तक ऐसा था कि लोग अपनी भाषा में शिक्षा शुरू करते थे और बाद में अंग्रेजी भी उनकी शिक्षा में जुड़ जाती थी, और उनमें जो एक बड़े बड़े विद्वान हुए थे वो अपनी भाषा को भी उतनी गहराई से जानते थे,
अंग्रेजी को भी जानते थे, अंग्रेजी साहित्य को जानते थे, या स्वतंत्र भारत में यह उल्टा हुआ कि हम अपनी भाषा अपने साहित्य से कट गए। हिंदी प्रदेश के आपको कथित हिंदी प्रदेश जिसको कहते हैं उसमें बच्चे आपको ऐसे मिलेंगे जो अज्ञे का नाम नहीं जानते, जो दिनकर का नाम नहीं जानते, जो बच्चन का नाम नहीं जानते। और यह स्थिति 40 साल पहले तक यहाँ नहीं थी। क्यों? क्योंकि हमारी शिक्षा मूलतः अपनी भाषा में होती थी, अंग्रेजी बाद में छठे क्लास से या आठवें क्लास से चौथे क्लास से जैसा स्कूल और जैसा स्तर और जैसा परिवेश था उससे जुड़ती थी। अब आज बिल्कुल बचपन से ABCD की पढ़ाई शुरू हो गई है और ये गाँव तक पहुँच गई है। इसका जो हानिकारक पक्ष है वह यह कि ठीक वह चीज़ जिससे भारतीय सभ्यता बनी है, ठीक वह चीज़ जिससे आज भी भारत का मूल्य है, ठीक वह चीज़ जो सीखने के लिए लोग आज भी भारत आते हैं, हम अपने ही बच्चों को उससे परिचय तक नहीं करा रहे, वो नाम तक नहीं जानते, उसको पढ़ना तो दूर रहा। जेएनयू में एक विद्यार्थी पढ़ रहा है, टॉपर है वो, उनसे एक दिन भेंट हुई, उनसे मैंने पूछा, कोई बात हो रही थी तो उपनिषद शब्द आया, तो उसके ऊपर मैंने देखा कि कुछ व्यंग का भाव आया। मैंने कहा क्यों, तुमने उपनिषद पढ़ा है क्या? बोला नहीं, पढ़ने की जरूरत क्या है, उसमें क्या होगा? मैंने कहा कि क्यों? बोला वो तो ऐसे रिलीजियस बुक्स है। मैंने कहा तुमने उलट के देखा है? मैंने कहा नहीं। मैंने कहा तुमको ये आइडिया है कि वह कोई 1000 पन्ने की किताब है या 10 पन्ने की किताब है? बोला नहीं। तो और ये मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो सचमुच एक जेन्युइन स्टूडेंट है, टॉपर है, बढ़िया पेपर लिखता है, बढ़िया भाषण देता है, उसने उपनिषद को देखा तक नहीं है और उसको कोई रुचि भी नहीं है। जैसे उसको कोई कह रहा है कि भाई तुम्हें जानना चाहिए, तुम सोशियोलॉजी के विद्यार्थी हो, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि उसमें क्या है, तो पूरा सोशल डिस्क्रिप्शन है। अच्छा, मुझे तो पता था कि वो तो रिलीजियस बुक्स है। तो इस स्थिति में हमने अपने देश को लाया हुआ है कि हमारे नई पीढ़ी बिल्कुल एक अर्थ में अज्ञानी बन रही है। तो ऐसी स्थिति में आपको इन सब टर्म्स को समझना है, धर्म, संस्कृति, राष्ट्रवाद। और इसीलिए मैंने कहा कि ये कठिनाई है, क्योंकि बैकग्राउंड जानकारी हमारे पास ना यूरोप की है ना अपनी है। ये हमारी एक विचित्र स्थिति है। यूरोप का विद्यार्थी अपनी संस्कृति, अपनी भाषा, अपने साहित्य से उतना कटा हुआ नहीं है जितना एक भारतीय विद्यार्थी है। वो यहाँ के विद्यार्थी, एक प्रोफेसर हैं अंग्रेजी के, अपने जेएनयू से रिटायर्ड हैं, बहुत बड़े विद्वान जो भी हो, वो कह रहे थे कि हमारे विद्यार्थी जब वहाँ जाते हैं तो वहाँ से फ़ोन करके पूछते हैं कि सर इसमें क्या है, उसमें क्या है, क्योंकि यहाँ तो उन्होंने पढ़ा नहीं, यहाँ पर तो वही मार्क्स फूको वो पढ़ कर जाते हैं, तो जो कि उनकी अपनी चीज़ है। वहाँ वाले जानना चाहते हैं कि आप मनुस्मृति के बारे में क्या जानते हैं, नारद स्मृति के बारे में क्या जानते हैं, और हमारे बच्चे जानते ही नहीं हैं। जब वहाँ जाते हैं तब उनको पता चलता है कि इन सब चीज़ों की जो हमने उपेक्षा की है वो खुद उपेक्षा नहीं करते, वो उसको अध्ययन करते हैं। और हमारे यहाँ मनुस्मृति जलाई जाती है जिसका स्थान वेदों के समकक्ष है। तो इस कठिनाई में इन टर्म्स को समझना, इन समस्याओं को समझना एक कठिन काम हो जाता है, क्योंकि हर चीज़ ऐसी नहीं है जो कैप्सूल के रूप में या सूत्र के रूप में जल्दी जल्दी दी जा सकती है। अब यही राष्ट्रवाद ही ले लीजिए, जैसे मैंने कहा धर्म रिलीजन नहीं है, उसी तरह हमारे यहाँ राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद नेशनलिज्म का सिर्फ हिंदी ट्रांसलेशन, हिंदी प्रतिशब्द है। और सच पूछिए तो नेशनलिज्म, नेशन मेकिंग, यह स्वयं यूरोप के लिए 200-250 साल पुराना है। अब एक ऐसी, देखिए किसी विडंबना है, ये एक ऐसी सभ्यता जो 4000 वर्षों से अक्षुण्ण चल रही है, उसको एक ऐसे विदेशी टर्म से हम समझने की कोशिश करते हैं जो स्वयं यूरोप के लिए 250 साल पुराना है। इतना ही नहीं, स्वयं यूरोप में नेशनलिज्म के अर्थ पर कोई सहमति नहीं है। एक विद्वान ने, बल्कि कई विद्वानों ने जो नेशनलिज्म पर अध्ययन किया है, उन्होंने पाया है कि नेशन और नेशनलिज्म की कोई एक परिभाषा होती ही नहीं है। रशियन लोग उसका एक अर्थ करेंगे, सर्बियन लोग उसका एक अर्थ करेंगे, चेचेन लोग अलग करेंगे, क्रोट्स अलग करेंगे, यूके को ही देख लीजिए तो स्कॉट लोग एक बात बोलेंगे, इंग्लिश लोग दूसरी बात बोलेंगे, वेल्स तीसरी बात बोलेंगे, उनमें कोई सहमति नहीं है। तो एक ऐसी धारणा जो जिसके यूरोप में भी कोई निश्चित अर्थ नहीं है, उस धारणा से हम अपने देश की समस्याओं और अपने देश की अभिप्सा, अपने देश की जिसको कहें जन भावना, उसको जब हम अभिव्यक्त करने की कोशिश करते हैं तो ये बड़ी बेढब स्थिति हो जाती है। सच पूछिए तो राष्ट्रवाद या नेशनलिज्म भारतीय
सच्चाई को, भारतीय स्थिति को, हमारी समस्याओं को, हमारी विशेषताओं को अभिव्यक्त करने के लिए पर्याप्त शब्द नहीं है। जैसा मैंने कहा कि वहां भी इसके बारे में कोई स्पष्टता नहीं है। एक ही अर्थ प्रमाणिक है कि अगर कोई एक खास समूह, वो छोटा हो या बड़ा हो, अगर वो अपने आप को एक मानता है तो वो एक है, अगर वो नहीं मानता है तो आप तर्क करके आप उनको कुछ नहीं समझा सकते। उदाहरण के लिए चेचेन, चेचेनिया रशिया का पार्ट, लेकिन अगर आप टॉलस्टॉय का उपन्यास पढ़िए जिन्होंने 150 साल पौने 200 साल पहले लिखा था, उसमें भी देखिएगा कि चेचेन लोग और जो मूल रशियन लोग हैं उन लोगों में झगड़ा होता था और भयंकर झगड़ा होता था, युद्ध होता था। आज भी चेचेनिया उनका पार्ट है। तो आपको लगता है कि कोई राष्ट्रवाद की ऐसी परिभाषा है जिसको रशियन और चेचेन दोनों मानते हो? वही हाल यूके का है, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और तीसरा आयरलैंड, तीनों का इतिहास एक दूसरे से झगड़े का, युद्ध का भी है। तो ऐसा भी होता है कि एक व्यक्ति जो आयरिश लोगों के लिए हीरो है, इंग्लिश लोगों के लिए विलेन है, कौन सा राष्ट्रवाद हुआ? राष्ट्रवाद की परिभाषा वहां ही निश्चित नहीं है। और यहां जो एक पूरी की पूरी सभ्यता है, जहां पर उनकी जो परिभाषाएं हैं, उस परिभाषाएं देखिए तो कह सकते हैं, जैसा कम्युनिस्ट लोग कहते थे, मार्क्सिस्ट लोग कहते थे, कि ये भारत तो एक कंट्री है ही नहीं, एक नेशन है ही नहीं, ये तो बहुत सारी नेशनलिटीज का समूह है जिसको अंग्रेजों ने जबरदस्ती इकट्ठा रखा था। और इसीलिए 1947 से पहले भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने उस राष्ट्रीयताओं के आत्मनिर्णय का अधिकार करके एक थीसिस दी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि नहीं, भारत में तो 17 राष्ट्रीयताएं हैं, इसलिए इस देश के 17 टुकड़े होने चाहिए, दो ही क्यों हो रहे हैं? लीजिए, अगर आपको जिन्ना की राष्ट्र की परिभाषा पढ़िए, तो उन्होंने कहा था कि हिंदू और मुस्लिम दो अलग अलग राष्ट्र हैं, और उन्होंने पूरे डिटेल में कहा था कि क्यों मुसलमान एक राष्ट्र है, क्यों? क्योंकि उनको अपना पाकिस्तान आंदोलन के लिए एक बौद्धिक कंस्ट्रक्ट वो बना रहे थे। तो उन्होंने कहा कि हिंदू एक राष्ट्र है, मुस्लिम एक राष्ट्र। गांधी जी की परिभाषा कुछ और थी, मार्क्सिस्टों की परिभाषा कुछ और थी, आर्य समाज की परिभाषा कुछ और थी। तो यह जो हमारी सभ्यता है, इसको सच पूछिए तो आप सभ्यता ही कह सकते हैं। इसको नेशनलिज्म में और एक विदेशी टर्म के अंदर डालना, इसमें 50 समस्याएं खड़ी होती हैं। यहां तो इतनी विविधताएं हैं और इतने तरह के, इतनी भाषाएं हैं, इतनी भिन्नताएं हैं, कि अगर आप वो यूरोपीय परिभाषा डालने की कोशिश कीजिएगा तो उसमें से आपको लगेगा कि यहां तो 1,000 देश बनने चाहिए, 1,000 नेशन है। लेकिन इसके विपरीत यह भी एक तथ्य है कि यह देश, यह सभ्यता वैदिक काल से आज तक कुछ चीजों को एक आत्मसात किए हुए है। पता नहीं चलता है कि उसकी उसमें वो एकता का सूत्र कहां है, लेकिन वो एकता का सूत्र है। और इसीलिए जब आप देखिए कि उदाहरण के लिए ये जो वंदे मातरम पर जब भी विवाद होता है, और विवाद आज से नहीं है, वंदे मातरम पर विवाद उस स्वाधीनता से पूर्व है। शायद आपको मालूम होगा, अगर आप में से किसी ने उसका अध्ययन किया हो, तो 1947 से पूर्व, कम से कम पिछले 40 साल से ये वंदे मातरम ही हमारा राष्ट्रीय गीत था। और यह इतना डिसाइडेड था, फिक्स था, कि इसमें कोई असहमति की गुंजाइश नहीं थी। यह एक विडंबना हुई कि यह राष्ट्रगीत नहीं बना। लेकिन यह वंदे मातरम में भाव क्या है? यह गीत एक उपन्यास से लिया गया है बंकिम चंद्र के, आनंद मठ का। अगर आप आनंद मठ को पढ़िए तो उस, और यह बंगला में है। मजे की बात यह भी है कि यह हिंदी का गान नहीं है वंदे मातरम, वैसे जनगण मन भी हिंदी का नहीं है, दोनों बंगला के हैं, लेकिन चूंकि देवनागरी में लिखी होती है तो हमें लगता है कि ये हिंदी है। ये हमारी भाषाई विविधता और भाषाई एकता दोनों का इसमें सूत्र मिलता है, कि अगर आप देवनागरी में लिखते हैं तो भारत की कम से कम एक दर्जन भाषाएं हैं जो आपको हिंदी ही लगेंगी, लेकिन वो अलग लिपि में लिखी जाती है इसलिए पता नहीं चलता है। तो हमारी विविधता और हमारी एकता एक दूसरे से अभिन्न है, और यह जीवन के हर क्षेत्र में दिखाई पड़ती है। जो मुहावरे, जो कहानियां, जो पुराण हम उत्तर भारत में जम्मू कश्मीर तक सुनते हैं, वो आपको केरल तक दिखाई पड़ती है। तो निर्मल वर्मा हमारे बड़े हिंदी के बड़े लेखक हुए थे, उन्होंने कहा था कि हम लोग कहते हैं कि ये हमारे दो महाकाव्य हैं, रामायण और महाभारत। वो कहते थे कि एक तीसरा महाकाव्य भी है, वह यह भारतीय समाज है, जो अदृश्य रूप से उसमें एक ऐसी भावना है जो
वह व्यक्ति तो होती है लेकिन उसको कोई कंक्रीटाइज नहीं कर सकते, आपको उसको नाम नहीं दे सकते। तो रामायण और महाभारत के भी पात्र और उसकी कहानियां पूरे देश के कोने कोने में अपने अपने तरह से न केवल मौजूद है बल्कि आज भी जीवंत है। हिमाचल उत्तराखंड में कहते हैं कि महाभारत के जितने पात्र हैं सबके एरिया बटे हुए हैं, लोग मानते हैं कि ये हम उन्हीं के वंशज हैं और ये उन्हीं की जगह है और उसको आज भी जीवंत रूप में उनका मेला लगता है। यहाँ तक कि लोग कहते हैं कि उन पर वो आते हैं, किसी पर भीम आते हैं, किसी पर युधिष्ठिर आते हैं और आपको इस तरह की परंपरा आपको फिर कर्नाटक तक दिखाई पड़ेगी। तो यह जो चीज है जो इस पूरे देश को जोड़ती है वह क्या है? धर्म और संस्कृति का यह अर्थ जो भारत के लोगों को एक दूसरे से जोड़ता है और उनमें हजार तरह की विविधताएं हैं, अलगाव भी हैं और वो अलगाव भी दिखाई पड़ते हैं राजनीति में, भाषा में, व्यवहार में, बहुत चीजों में अलगाव भी दिखाई पड़ता है। लेकिन कुछ लोग अलगाव को अधिक महत्व देते हैं और एकता को कम कर देते हैं, लेकिन उसमें जो एकता का तत्व है शायद वह इसलिए महत्वपूर्ण है कि उसने प्रमाणित किया हुआ है कि यह हजारों वर्षों से वह चीज है जो भारत के लोगों को एक करती है। और वंदे मातरम एक सूत्र है, सिर्फ एक उदाहरण है कि जब भी इस पर कंट्रोवर्सी होती है तो आपने शायद नोट किया होगा या आप करेंगे क्योंकि यह खत्म नहीं हुआ है, आप देखेंगे कि पूरे भारत से उसके प्रति एक रिस्पॉन्स आता है, मतलब लोग इंडिफरेंट नहीं रहते। ये शायद 97 या 98 में वो आया था AR रहमान का गीत वंदे माँ तुझे सलाम, उसमें ही वंदे मातरम है और उसमें ही फतवे आए थे और बहुत विवाद हुआ था और उस समय भी उसके प्रति उसी तरह से पूरे देशव्यापी प्रतिक्रिया हुई थी, मतलब पॉजिटिव प्रतिक्रिया इन फेवर ऑफ वंदे मातरम। तो यह जो भावना है कि यह भारत हमारी धरती है, आसेतु हिमालय, हिमालय से लेकर के ये सेतु बंध रामेश्वरम तक यह पूरा भारत एक है, इसको आप राष्ट्रवाद की जो पश्चिमी परिभाषाएं हैं या जो एकेडमिक टर्मिनोलॉजीज हैं उनसे आप नहीं समझ सकते। दुर्भाग्य वही है कि चूंकि हम लोग अपने शास्त्रों से कट गए हैं, शास्त्रों नहीं अपने ज्ञान परंपरा से कट गए हैं, अन्यथा ये कठिनाई नहीं होती। जिन बातों को हमें मेहनत करके एकेडमिक भाषा में समझना और समझाना पड़ता है वह स्वतः स्पष्ट हो जाता, लेकिन चूंकि ऐसा नहीं है इसलिए हमें यह कहने की जरूरत पड़ती है कि भारत की जो स्थितियां हैं उसको उसके लिए नेशनलिज्म सही शब्द नहीं है। सिविलाइजेशन या सिविलाइजेशन स्टेट यह शायद कुछ हद तक ठीक हो सकता है। एक चीन के विद्वान है जांग वेई वेई, उन्होंने 5 साल पहले एक किताब लिखी थी द चाइना वेव, उसमें वो तर्क करते हैं कि वो चाइना के लिए तर्क करते हैं कि चीन को एक कंट्री या एक नेशन नहीं कहना चाहिए, एक सिविलाइजेशन है। हालांकि उसमें उन्होंने भारत की ही चर्चा की है लेकिन नेगेटिव रूप में, उनका कहना है कि नहीं भारत सिविलाइजेशन नहीं है, हम हैं, चाइना सिविलाइजेशन है। लेकिन अगर जो तर्क उन्होंने चीन के सभ्यता होने के लिए दिए हैं सच पूछिए तो भारत पर अधिक लागू होते हैं, भारत को सिविलाइजेशन स्टेट या सिविलाइजेशन कहना चाहिए। और ये था भी, जैसा मैंने आपको कहा कि अगर आप उस पर इंडोफिल वाला सर्च करें तो आपको ग्रीक थिंकर के समय से, प्लेटो के समय से आज तक आपको दुनिया के टॉप विद्वान मिलेंगे जिनका यह सुनिश्चित मत है और इन्होंने तर्कपूर्ण ढंग से कहा है कि हमारे पास सारे ज्ञान का स्रोत हमें इस गंगा के किनारे से मिला है, पूरा दर्शन, पूरा ज्ञान, पूरा पूरी संस्कृति, पूरी समझ, फिलोलॉजी, भाषा, यह सब उसकी सब भारत से ही पूरी दुनिया में गई है। ऐसा कहने वाले सीरियस विद्वान, टॉप मोस्ट विद्वान एक नहीं अनंत हुए। इस थ्रेड को, इस सूत्र को समझना सबसे अधिक हमारी जिम्मेदारी थी लेकिन हम इससे अलग हो गए और इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि राष्ट्रवाद को हमें अपने ही संदर्भ में समझने की कोशिश करनी चाहिए कि हमारी अपनी परंपरा से यह जो अर्थ हमें मिला है और उसका सबसे यह एक व्यवहारिक सूत्र है कि यह हमारी मातृभूमि है। रामायण में भी है, राम कहते हैं कि भाई सब कुछ तो ठीक है लेकिन जननी जन्मभूमिश्च, तो यह जो हमारी मातृभूमि है और यह जो हमारा जो भूगोल है हिमालय से लेकर समुद्र तक, इसके प्रति संपूर्ण भारतवर्ष में एक अव्यक्त किस्म की श्रद्धा या व्यक्त किस्म की श्रद्धा रही है और इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। तो इस राष्ट्रवाद को हमें इस अपनी टर्मिनोलॉजी में या अपनी परंपरा में अगर हम समझने की कोशिश करें तभी शायद इसकी समस्याओं को भी ठीक से समझ सकेंगे, अन्यथा हम लोग
एक मैं कहूँगा कि गलत सिद्धांतों या गलत मुहावरों के चक्कर में फंस जाते हैं, फिर उसमें उलझते चले जाते हैं। हम कोशिश करते हैं, एक उसके पीछे ये हीन भावना भी है हमारे बहुत सारे लोगों की जो पिछले 150-150 सालों से चल रही है, जब से अंग्रेजी शिक्षा ने हमें अपनी जड़ों से काटना शुरू किया, तो हमारे लोगों में एक हीन भावना भरने लगी कि जब तक कोई चीज़ विदेशों से सर्टिफाइड होकर ना आ जाए तब तक हम उसको लो ग्रेड का मानते हैं। जैसे योगा आज सारी दुनिया में है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि सिर्फ 70-80 साल पहले इसको कोई नहीं जानता था। यद्यपि विवेकानंद ने इसको पूरी दुनिया में 100 साल पहले एक झलक उसकी दिखला दी थी, लेकिन फिर वह डूब गया। हम उस समय परतंत्र थे और विवेकानंद जल चले गए, उनका काम रुक गया, फिर दूसरे किस्म के लीडर और दूसरे तरह के लोग आ गए और वो काम रुक गया। लेकिन योग के प्रति, इसको मैंने नेहरू जी की एक जीवनी में पढ़ा, नेहरू जी योग करते थे और मैंने उसके जीवनीकार लिखता है कि ये कुछ मॉर्निंग में उठ करके एक्रोबेटिक्स करते हैं, तो योग को उसके नाम से भी नहीं पुकारा जाता था। लेकिन पिछले 50 सालों में जो इसका विकास हुआ है, आज योग दिवस भी है और पूरी दुनिया योग जानती है, और यह योग हमारे पूरी ज्ञान परंपरा का एक छोटा सा अंश है, खास करके वो जो प्रैक्टिकल योग योगाभ्यास, इसको उसी पर उन्होंने सीमित कर दिया है, जबकि वो नहीं है, वो एक पूरा योग दृष्टि है, समझने की विश्लेषण पद्धति है। पतंजलि योग सूत्र एक प्योर साइंस है और ये अभ्यास तो उसका सिर्फ एक प्रारंभिक अंग है, लेकिन इस प्रारंभिक अंग ने ही दुनिया को इतना चमत्कृत किया। तो आप ये कल्पना कर सकते हैं कि जिन फिलोसफर्स ने यह कहा है कि पूरी हमारे सोचने समझने की जो टर्मिनोलॉजी है, कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्ट्स है, वह सब हमें ये भारतीय ज्ञान परंपरा से मिले हैं, और इस परंपरा को, इस पूरी इतिहास को हम इन जब विदेशी मुहावरों में या विदेशी फ्रेज में, विदेशी कंस्ट्रक्ट में फिट करने की कोशिश करते हैं तो वास्तव में हमें सफलता नहीं मिलती है, और इसीलिए हमारी समस्याएं भी कुछ दूसरे किस्म की हैं। जैसा मैंने आपको शुरू में एक संकेत करने की कोशिश की थी कि चूंकि भारत दुनिया का एकमात्र हिंदू देश है, इसीलिए इसके प्रति दूसरों को समझने में कठिनाई होती है और हमें स्वयं दूसरों को समझने में कठिनाई होती है। बहुत लोग कहते हैं कि भारत इतनी शानदार सभ्यता थी, इतनी सशक्त सभ्यता थी, इतनी धनी सभ्यता थी और वीरता में भी पीछे नहीं थी, तो ऐसा क्या हुआ कि इनको छोटे छोटे गिरोह आकर के इनको जीत लेते थे और इन पर शासन करते थे? तो कुछ हद तक इन लोगों को लगता है कि बड़ा जटिल सवाल है, सच पूछिए तो मेरे पास भी या किसी के पास भी इसका कोई प्रमाणिक उत्तर नहीं है, लेकिन उसका एक उत्तर है, वो भी कुछ लोगों ने देखा है कि चूंकि हमारी दृष्टि मानवता को देखने की, हमारी उपनिषदिक दृष्टि या झगड़े की दृष्टि नहीं है, डोमिनेंस की दृष्टि नहीं है, सामंजस्य की दृष्टि है, प्रकृति के साथ प्राणी मात्र के प्रति सद्भाव की दृष्टि है, इसीलिए हम बाहर से आने वाले वैसे आक्रमणकारियों जो संगठित होते थे और आइडियोलॉजिकली हमें कन्वर्ट और नष्ट करना चाहते थे, इस दृष्टि के लोगों को हम समय रहते पहचान तक नहीं सके, और यह स्थिति आज भी है। आज भी आप देखिए कि जो डोमिनेंट डिस्कशन है मीडिया में मिशनरीज के बारे में, जब भी होता है तो आप देखेंगे कि एक उसमें खास एंटी हिंदू स्लैंट होता है। जैसे ही कोई लोग कहेंगे कि नहीं नहीं ये धर्मांतरण का धंधा या मिशनरीज या कन्वर्जन हो रहा है, तो कहेंगे नहीं 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 ये माइनॉरिटीज को सताया जा रहा है और ये कम्युनलिज्म है। आप देखिए कि आज भी इस बात को हमारा पढ़ा लिखा समझदार वर्ग, ठीक है उसमें कुछ लोग हैं जो धूर्त है, जो पॉलिटिकल है, जो जानबूझ के ये सब करते हैं, लेकिन अधिकांश ऐसे हैं जो सचमुच इस बात को नहीं समझते। सचमुच मिशनरियों की जो योजना है भारत को कन्वर्ट करने की और उनका जो स्ट्रक्चर है उसको नोटिस तक नहीं लेते। क्यों नहीं लेते? क्योंकि वो इस बात से अपरिचित है कि दुनिया में ऐसे रिलीजन भी हैं जो दूसरे का अस्तित्व स्वीकार ही नहीं करते, और हम अपनी ओर से मान लेते हैं कि सर्वधर्म संभाव, सभी धर्म समान है, सभी धर्म अच्छे हैं, सभी धर्म भगवान की ओर ले जाते हैं। यह बात उपनिषद की दृष्टि से और हमारे अपनी ज्ञान परंपरा की दृष्टि से बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्या जिसे हम धर्म कहते हैं, क्या रिलीजन वही धर्म है? क्या इस्लाम वही धर्म है? क्या क्रिश्चियनिटी वही धर्म है? क्या उसमें वही मूल्य मान्यताएं हैं जिन मान्यताओं को हम मानते हैं? तब हम जब ऐसा कहते हैं कि सभी धर्म में एक ही बातें हैं, सभी धर्म एक ही दिशा में ले जाते हैं और सब ठीक है, कोई फर्क नहीं है, अगर कन्वर्ट भी कर ले रहा है तो क्या प्रॉब्लम है आपको, आप ही तो कहते हैं,
ऐसा बच्चे तर्क देते हैं कि अगर कोई कन्वर्ट हो रहा है या कन्वर्ट कराया जा रहा है तो तर्क देते हैं कि आप ही ने तो कहा था कि सभी धर्म एक हैं, तो क्या फर्क पड़ गया वो मुसलमान बन गया या क्रिश्चियन बन गया। तो अब देखिए, तो यह जो अज्ञान है वह दोतरफा है। दुनिया के लोग भी भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कृति, भारतीय धर्म को ठीक से नहीं जानते और इसीलिए इसके प्रति एक नकारात्मक और विचित्र, जैसे यही गो पूजा, कार्ल मार्क्स ने लिखा था कि ये कैसे इतने गए गुजरे कौन लोग हो सकते हैं जो गाय और बंदर की पूजा करते हैं। मतलब ये उनके लिए, कार्ल मार्क्स जैसे विद्वान के लिए यह प्रमाण था कि जो गाय को पूजता है उससे गया गुजरा और बिल्कुल पशुवत कम्युनिटी और हो ही कौन सकती है। अब जहां इतना बड़ा अंतर है चेतना में कि वह हमारी गो पूजा को, हमारे वृक्ष पूजा को वो नहीं समझ पाते, उसी तरह हमारे लिए भी समस्या है कि हम भी जो उनके जो कन्वर्जन प्रोजेक्ट है हम उसको नहीं समझ पाते। उनके जो प्लान है भारत के बारे में और जो सफल हुए हैं, आज भारत वही नहीं है जो 100 साल पहले था। 100 साल पहले का छोड़िए, 80 साल पहले भारत का आप नक्शा देखिए और आज के भारत का आप नक्शा देखिए, उसके बाद उसकी डेमोग्राफी देखिए, जो बचा हुआ भारत है उसकी डेमोग्राफी भी देखिए, वो सिकुड़ रही है। तो इसलिए यह कहना एक अर्थ में ठीक है कि हम इतने समय से रहे हैं तो आगे भी रहेंगे, लेकिन यह कोई गारंटी नहीं है। अगर आप अपने राष्ट्र, आप उसको नेशन कह लीजिए, सभ्यता कह लीजिए, भारतवर्ष कह लीजिए, भारत माता कह लीजिए, अगर आप इसकी रक्षा के प्रति सचेत नहीं होंगे तो जो आज तक नहीं हुआ है वो आगे भी नहीं होगा, सो संभव या नहीं सोचना चाहिए। जैसा मैंने कहा कि निर्मल जी, निर्मल वर्मा या जितने भी बड़े साहित्यकार थे एक पीढ़ी पहले तक, वो कहते थे, जिन्होंने ब्रिटिश समय भी देखा था, वो कहते थे कि ब्रिटिश शासन में भारतीय भाषा और संस्कृति और चेतना पर इतना बड़ा खतरा नहीं था जितना स्वतंत्र भारत में हो गया, क्योंकि हम अपनी भाषा से ही कट रहे हैं, खत्म हो रही है हमारी भाषा, और भाषा में ही सारी संस्कृति निवास करती है, भाषा से अलग संस्कृति नहीं होती। अगर आप किसी ऐसे दिन की कल्पना करें, बल्कि कल्पना करने की जरूरत नहीं है, आप लैटिन अमेरिका चले जाएं, ऑस्ट्रेलिया चले जाएं, जहां पूरी की पूरी भाषा एक विदेशी भाषा हो गई, वहां की पूरी पुरानी संस्कृति भी खत्म हो गई, और यह भारत में भी यह खतरा है। इसीलिए जब हम कहते हैं कि, जब मैं कहता हूं कि भारत की समस्याओं को नेशनलिज्म की टर्मिनोलॉजी में पूरी तरह से नहीं समझा जा सकता, तो इसे उसी प्रसंग में समझने की कोशिश करनी चाहिए कि हमारी बहुत सी समस्याएं ऐसी हैं जो दूसरे किसी देश को नहीं है। भारत, जैसा मैंने कहा कि भारत एकमात्र हिंदू देश है, इसीलिए दोनों, जो दुनिया के दो सबसे बड़े रिलीजन है जिनका कन्वर्जन एक ऑफिशियल एजेंडा है, जो वो कहते भी हैं, यहां सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने कहा है, 2003 में उड़ीसा का कोई केस था कन्वर्जन का, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट में जो क्रिश्चियन पार्टी थी उसने यह तर्क दिया कि भाई आप कन्वर्ट नहीं कराते हैं ये आपकी प्रॉब्लम है, हिंदू लोग कन्वर्ट नहीं कराते हैं आपकी प्रॉब्लम है, हम उसको क्यों माने, हमारे रिलीजन का पार्ट है कन्वर्ट कराना, इसलिए बाय हुक बाय क्रूक बाय एनी वे अगर हम कन्वर्ट कराते हैं, दिस इज पार्ट ऑफ आवर फंडामेंटल राइट्स। उसने भारतीय संविधान का हवाला दे करके हिंदुओं को कन्वर्ट करके क्रिश्चियन बनाने का कोई इसिया कहकर डिफेंड किया कि यह हमारे रिलीजन का पार्ट है कि हम दूसरों को कन्वर्ट करा के क्रिश्चियन बनाएं। अब एक कॉमन भारतीय के लिए, एक कॉमन हिंदू के लिए जो उतना सचेत नहीं है, उसके लिए समझना कठिन है। उसको कहिए तो ईसा मसीह की भी एक मूर्ति यहाँ लगा देगा, उसको कोई दिक्कत नहीं है भारतीय को, लेकिन उल्टी तरफ ये नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि हमारी बहुत सी समस्याएं ऐसी हैं, कन्वर्जन सिर्फ एक इशू है, या जिस तरह से दलितों को या विभिन्न समूहों को अलग करने की कोशिश की जाती है, सबको या तो रिजर्वेशन के नाम पर या ऑपरेशन के नाम पर, मैन्युफैक्चर्ड जिसको कहते हैं कि एक एट्रोसिटी लिटरेचर, वास्तविक प्रोग्रेस जो हुई है पिछले 100 साल में वो न दिखा करके सिर्फ जो बुराइयां हैं उसको दिखाना, और उसके हिसाब से भारत के लोगों को अलग अलग हिस्सों में काटना, तोड़ना, उनको अलग दिखाना, उनको हिंदू धर्म से, संप्रदाय से अलग करना, सिखों को दूर करना, बौद्धों को दूर करना, और इनमें जो ऐतिहासिक परंपरा है उसको पूरी तरह उस पर चादर डाल देना जैसे यह कुछ नहीं था। तो यह सब जो ऐसी समस्याएं हम अगर राष्ट्रवाद के टर्मिनोलॉजी में रखने की कोशिश करेंगे तो वो फॉर्मुलेट ही नहीं होंगी। ये जो प्रॉब्लम्स मैं आपको बता रहा हूँ, जो आप भी जानते हैं, आप इसको नेशनलिज्म के टर्म में आप नहीं रख सकते। जिस तरह से द्रविड़िस्तान, अब वो ठंडा पड़ गया, लेकिन एक जमाने में उस द्रविड़ आइडियोलॉजी को
बहुत मजबूती से खड़ा किया गया था और अभी अभी तक है। वो जो दोनों डोमिनेंट पार्टियां हैं तमिलनाडु में, दोनों द्रविड़ हैं, डीएमके और एआईडीएमके। अब वो भाषा नहीं बोलती, लेकिन जो द्रविड़ फिलॉसफी या थ्योरी दी गई, ये मिशनरियों ने दी थी, एक भी उसमें तमिल नहीं है जो जिसने ये थ्योराइजेशन किया था कि ये द्रविड़ जो है वो अलग है और ये आर्य है ये अलग है और आर्यों ने उन पर कब्जा कर लिया था, अब इनको मुक्त हो जाना चाहिए। यही स्थिति नॉर्थ ईस्ट में है और बहुत जगहों में है। तो इस तरह की समस्याओं को आप इस नेशनलिज्म की टर्मिनोलॉजी में समझ भी नहीं सकते, इसका समाधान करना तो दूर रहा। इसीलिए मुझे लगता है कि इन सब जब चीज़ों को आप अगर आप रिपोर्टिंग करें या आप लिखें या आप इस पर सोचें, तो आपको कुछ ना कुछ मूल में जाने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसे भी रिपोर्टर का पहला काम है फैक्ट ढूंढना और उस फैक्ट को फिर ट्रांसमिट करना, फिर उसको एक्सप्लेन करना। तो ये फैक्ट क्या है, हमारे देश का फैक्ट, कास्ट ले लीजिए, क्या कारण है कि हर तरह के लोग जो अदरवाइज हमारे शत्रु रहे हैं, और ये कोई छिपी हुई बात नहीं है, सबके सब कास्ट और कास्टिज्म के खिलाफ खड़े होते हैं। क्या कास्टिज्म और कास्ट एक चीज है? क्या कास्ट और वर्ण व्यवस्था एक ही चीज है? क्या वर्ण का वह अर्थ जो एकेडमी में या यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया जाता है या मीडिया में आता है वही है जो मनुस्मृति में है? मनुस्मृति में शूद्रों के बारे में जो कहा जाता है, कहा गया है, ऑथेंटिक लिखा हुआ है, और जो वास्तव में आज विमर्श में आता है, क्या एक ही चीज है? आप देखेंगे कि बहुत बड़ा भेद है। तो सबसे पहले अगर जिन चीजों इस तरह के टर्म्स जब आते हैं, तो आपको कुछ ना कुछ ओरिजिनल स्वयं पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। और स्पेशलाइजेशन की बात होती है, मैं कहूँगा स्पेशलाइजेशन वर्ड सही नहीं है, किसी न किसी चीज का आपको स्वयं गहरा अध्ययन करने की कोशिश करनी चाहिए। और गहरा अध्ययन का ये मतलब नहीं है कि कोई आपको 150 किताबें पढ़नी है। मैं कहता हूँ कभी कभी सिर्फ एक छोटी सी किताब पढ़नी भी गंभीरता से काफी होती है उस चीज को समझने के लिए। जैसे आज का जो विषय है राष्ट्रवाद, विवेकानंद, रविन्द्रनाथ टैगोर, श्री अरविंद, दयानंद, श्रद्धानंद, इस तरह के लोगों की जो अपनी रचनाएं हैं, उनके बारे में नहीं जो किसी प्रोफेसर ने बुकलेट या पेपर लिख दिया है, या इवन ऑक्सफोर्ड से भी क्यों ना छपी हो, पेंगुइन से भी क्यों ना छपी हो, उसको आप सेकेंडरी माने, मूल पढ़ें। विवेकानंद का जो वो भाषण है, भाषण संग्रह है, जब वो अमेरिका और यूरोप में 3-4 बरस काम करके आए थे, उसके बाद उनका एक उन्होंने कोलंबो आए थे, सबसे पहले कोलंबो से अल्मोड़ा तक उनके जो भाषणों का संग्रह है, शायद 15-16 भाषण है, आप उसको पढ़िए। आप देखिए भाषण की, मैंने भाषण का रेफरेंस इसलिए दिया कि भाषण कम्युनिकेबल होते हैं, वो एकेडमिक वर्क नहीं है, वो आम लोगों को दिए जाते हैं, और वो विवेकानंद ने 100 साल से भी पहले दिए थे, 1897 में शायद आए थे वो, और 1897 से 1901 तक 3-4 वर्ष के बीच के वो उनके महत्वपूर्ण भाषण है, आप उसको पढ़िए। आपको उसमें राष्ट्र, संस्कृति, भाषा, राजनीति, उपनिषद, वेदांत और अपने देश की समस्याओं का मूल और उसके समाधान की दिशा सब आपको उसमें स्पष्ट मिलेगी, क्लियर कट। अगर आप उसको सेंसिबली पढ़ रहे हैं, ध्यान से पढ़ रहे हैं कि ये कहना क्या चाह रहे हैं, और आपको कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि मैंने आपको कहा कि वो भाषण है, विवेकानंद भाषण दे रहे थे जैसे मैं दे रहा हूं, तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप तक बात पहुंचे। तो आप यही इमेजिन कीजिए कि विवेकानंद ने भी उसी भाषा में वो कहा है, आप उसको मूल में पढ़िए, आपको ये दिखाई पड़ेगा कि हम जिन समस्याओं की आज चर्चा करते हैं उन्हीं समस्याओं की उन्होंने भी चर्चा की। ऐसा नहीं है कि वो चीजें अरकेन पुरानी हो गई, अब 5 पीढ़ी पहले की बात है, 100 साल पहले की बात है, आज दुनिया बहुत बदल गई। कुछ भी नहीं बदला, दुनिया में रोज परिवर्तन होते हैं और दुनिया रोज वैसी की वैसी रहती है, ये दोनों चीजें हैं। तो हमारी बहुत सी समस्याएं, भाषा, संस्कृति, राष्ट्र, डोमिनेंस, स्वतंत्रता, धर्म से जुड़ी हुई बहुत सारी समस्याएं हमारे पास आज हूबहू उसी शब्द में आप देखेंगे। आप अगर आप अज्ञेय को पढ़ें, निराला को पढ़ें, टैगोर को पढ़ें, श्रद्धानंद को पढ़ें, आपको दिखाई पड़ेगा कि वो हूबहू इन्हीं समस्याओं से वही उलझ रहे थे। तो टेक्नोलॉजी बदलती है, आर्थिक संबंध, आर्थिक वातावरण बदलता है, कपड़े लत्ते कुछ और चीज़ें बदलती हैं, लेकिन बहुत सी चीज़ें मूलतः वहीं की वहीं रहती हैं। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इनमें से जो आपको सूट करे, ये भी नहीं है कि कोई प्रेस्क्रिप्टिव है, मैंने आपको कहा कि भारत एकमात्र
दुनिया में ऐसी सभ्यता है जिसकी शास्त्र परंपरा, ज्ञान परंपरा इतनी समृद्ध है और इतनी तरह से वह कही गई है कि आप जिस इस तरह के जितने भी महाज्ञानी हुए हैं या ऐसी जो महत्वपूर्ण क्लासिक पुस्तकें हैं उसमें जो आपको रुचिकर लगे, आपको विवेकानंद रुचिकर लगे विवेकानंद को पढ़िए, आपको श्री अरविंद रुचिकर लगे वो पढ़िए। टैगोर को कवि के रूप में प्रसिद्धि मिली है जो बिल्कुल सही है, लेकिन टैगोर ने जो लेख लिखे हैं सामाजिक लेख उनकी संख्या सैकड़ों में है, जो शैक्षिक लेख लिखे हैं वह असंख्य है। आपको मालूम है उन्होंने स्कूल खोला था, बाद में विश्वविद्यालय, वो विश्वविद्यालय बना, उसके लिए वो उन्होंने वर्णमाला से लेकर के बच्चों की पुस्तक तक उन्होंने बहुत सी चीजें लिखी, तो उन्होंने सामाजिक समस्याओं पर भी लिखा है, वो आप पढ़िए। किसी भी चीज को आप मूल में पढ़िए, मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि आज अभी जो आपकी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी है, अभी जो आपकी भाषाई कैपेसिटी है लैंग्वेज, वह आपकी अपने आप बहुत ऊंची हो जाएगी, बहुत अच्छी हो जाएगी। और पत्रकारिता में खास करके भाषा का बहुत महत्व है, आप अंग्रेजी में काम करें या हिंदी में काम करें, आप कोशिश करें कि इन भाषाओं के मूल में जो सबसे क्लासिक और सबसे महत्वपूर्ण सबसे अच्छे लेखकों और कवियों के जो ग्रंथ हैं या किताबें हैं छोटी छोटी भी, आप उसको अपनी रुचि से आप थोड़ा बहुत पढ़ते रहें, आपको इन सब समस्याओं इन सब स्थितियों की आपकी अपनी समझ बननी शुरू हो जाएगी। और जब आपकी अपनी समझ बननी शुरू हो जाएगी तब आप इस चीज को एनालाइज कर सकेंगे कि किसी बात पर रामचंद्र गुहा जो बोल रहे हैं वो सही है या राम माधव जो बोल रहे हैं वो सही है, या दोनों की बातों में कमी कहाँ है। और वही आपका ऑब्जेक्ट होना चाहिए। आप देखिए कि विवेकानंद ने, श्री अरविंद ने, टैगोर ने, आप मार्क कीजिए कि उस समय भारत आज की तुलना में, भारत के लोग आज की तुलना में 50 गुना अधिक गरीब थे, आज की तुलना में अधिक दीन अवस्था में थे। लेकिन आप नोट कीजिए, और वो सभी लोग सारी दुनिया को जानते थे, उन्होंने कभी गरीबी की चर्चा नहीं की, उन्होंने कभी आर्थिक परिवर्तन की चर्चा नहीं की, उन्होंने कभी ये डाटा और जीडीपी और रोजगार की चर्चा नहीं की। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि वह इन सब समस्याओं को जानते थे, रिकॉग्नाइज करते थे, लेकिन इसके बावजूद यह भी जानते थे कि इसका समाधान सिर्फ वही नहीं है, वो इसके समाधान के लिए एक सीढ़ी ऊपर से वो काम करना चाहते थे। वह हमारी चेतना, हमारी समझ, हमारी स्वतंत्रता, हमारा आत्मविश्वास और उसके स्रोत तक हमें पहुंचाना चाहते थे। जैसा उपनिषद में कहा गया है कि वह कौन सी चीज है जिसको जानने के बाद आप सब कुछ को जान जाओगे, वही विवेकानंद का कहना चाहिए स्टाइल था या उनका कंसर्न था, वही टैगोर का या श्री अरविंद का या श्रद्धानंद का या दयानंद का कंसर्न था कि आपको, हमारे देश के लोगों को वह चीज मिलनी चाहिए, वह शक्ति मिलनी चाहिए जिससे वो बाकी सब चीजों को स्वयं समझना और सुलझाना शुरू कर दे सकते हैं। इसीलिए उन्होंने आज की भाषा का इस्तेमाल नहीं किया था, विकास, डेवलपमेंट, पुल, बिजली, सड़क, रोजगार, बेरोजगारी, इसकी चर्चा वो लोग नहीं करते थे, जबकि ये समस्याएं आज से कई गुना ज्यादा थी उस समय। वो इसकी चर्चा करते हैं कि हम मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से स्वतंत्र हों, हम इस पूरी अस्तित्व को, हमारे सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, आध्यात्मिक सभी चीजों को दुनिया के संदर्भ में, दुनिया में हम कहाँ खड़े हैं और हम स्वयं अपने जीवन में कहाँ खड़े हैं, इसको हम समझने योग्य बने। जब हम इन चीजों को समझने योग्य हो जाते हैं तो आप निश्चित रूप से फिर जब आप, चाहे वो दैनिक रिपोर्टिंग कर रहे हैं या एनालिसिस कर रहे हैं या रिसर्च कर रहे हैं, उसमें आपका काम तुलनात्मक रूप से थोड़ा आसान हो जाएगा। इसीलिए मैं आपसे यही आग्रह करता हूं कि इस तरह की चीजों के प्रति आप ये भाव ना रखें कि ये हमारे काम की चीजें नहीं है। आप भारत की जो क्लासिक ज्ञान परंपरा है, उपनिषद से लेकर के लेटेस्ट मैं तो कहूंगा सदगुरु जग्गी वासुदेव तक, आप देखेंगे कि सब लोग उन्हीं कुछ सत्यों को नई नई भाषा में हमारे सामने रखने की कोशिश करते रहे हैं। और ये प्रैक्टिकल चीजें हैं, ये थ्योरेटिकल नहीं है। कुछ लोग कहते हैं ये सब फिलॉसफी है, अगर ये फिलॉसफी होती, अगर ये हमारे जीवन से जुड़ी हुई नहीं होती, अगर ये हमें आज भी सॉल्यूशन नहीं दे रही होती तो ये टिकी नहीं होती। आप देखिए जिन चीजों की उपयोगिता खत्म हो जाती है वो बिल्कुल बाहर हो जाते हैं। आप उसका, जैसे आज आप कितना भी प्रचार करें कोई टाइपराइटर नहीं खरीदेगा, ये उसी तरह की चीज है। इसका कन्वर्स भी सही है कि आप कितना भी दुष्प्रचार करें मनुस्मृति या उपनिषद की महत्ता खत्म नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उससे रियल सॉल्यूशंस मिलते हैं।
और इसीलिए मेरा आपसे यह आग्रह है कि जिस भी भाषा में आप पत्रकारिता करें, आप कुछ न कुछ स्वाध्याय करने की एक आदत डालें। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप मोटे मोटे ग्रंथ पढ़ें, लेकिन जो पढ़ें ओरिजिनल पढ़ें, बेस्ट पढ़ें, क्लासिक पढ़ें और थोड़ा थोड़ा पढ़ें अगर आपकी रुचि है तो, नहीं रुचि है तो वो भी कोई चिंता की बात नहीं है। तब इस तरह के कैप्सूल और वीडियो वगैरह आते रहते हैं, उससे आपका काम चल जाएगा। लेकिन जिनको पढ़ने में रुचि है वो कुछ ना कुछ हमारे जो महापुरुष हुए हैं, जो ज्ञानी हुए हैं, मैंने जिनका नाम लिया उन तक लिमिट मत कीजिएगा। मैं उनका नाम मैंने इसलिए लिया कि मैंने उनको पढ़ा है और मैंने ये पाया है कि वो बिल्कुल उपयोगी है, परफेक्ट है और वो आपको यह सब सॉल्यूशन की दिशा में ले जाने के लिए सक्षम है, इसलिए मैंने उनका नाम लिया। दक्षिण भारत के बहुत से ज्ञानियों का हम नाम भी नहीं जानते क्योंकि अंग्रेजी के कारण हम फंसे रह जाते हैं और अपने ही देश के शास्त्र, अपने ही देश के ज्ञानियों का नाम तक हम नहीं जानते। लेकिन अगर यह एक आदत आप अपने में डालें तो मुझे लगता है कि आपको अपने करियर में, अपने जीवन में और अपनी समझ में हर जगह आपको लाभ होगा। मुझे लगता है मेरा मैं समय से कुछ ज़्यादा ही हो गया और मुझे यह भी नहीं पता है कि जो विषय देने वालों का मंतव्य था वह कितना पूरा हुआ, लेकिन फिलहाल